देश में रोजगार को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो कि युवाओं के लिए काफी निराशा भरी भी हो सकती है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 और 2018 के बीच भारत में रोजगार के कम अवसर आएंगे और इसके साथ ही देश में बेरोजगारी में भी इजाफा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने 2017 में वैश्विक रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार जरूरतों के कारण आर्थिक विकास पिछड़ता प्रतीत हो रहा है और इसमें 2017 के दौरान बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही सामाजिक असमानता की स्थिति और बिगड़ने की भी आशंका जताई गई है। वहीं 2017 और 2018 में भारत में रोजगार सृजन की गति धीमी होने की संभावना जताई गई है क्योंकि इस दौरान धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार आशंका है कि पिछले साल के 1,77,00,000 बेरोजगारों की तुलना में 2017 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1,78,00,000 हो जाएगी। वहीं प्रतिशत के संदर्भ में 2017-18 में बेरोजगारी दर 3.4% बनी रहेगी। हालांकि रिपोर्ट में 2016 में रोजगार सृजन के संदर्भ में भारत के प्रदर्शन की बात मानी है। 2016 में भारत की 7.6% की वृद्धि दर ने पिछले साल दक्षिण एशिया के लिए 6.8% की वृद्धि दर हासिल करने में मदद की है। तो रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी बेरोजगारी बढ़ेगी जिसका असर सामाजिक समानता पर भी पड़ेगा। हालांकि भारत में बेरोजगारी के प्रतिशत में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं बताया गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।